लक्ष्मी और गणेश की बनी मूर्तियाँ पहली नजर में भले ही आपको मिट्टी से बनी लगें, लेकिन ये सब मिट्टी से नहीं बल्कि गाय के गोबर से बनी हैं। मूर्तियाँ बनेगी, कंडे बनेंगे, साबुन बनेंगे, धूप बत्ती बनेगी, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप डाई चेंज करते जाओ और बनाते जाओ जो बहुत सुंदर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इन्हें बनाया जा रहा है जयपुर के वैशाली नगर स्थित गौ सेंटर पर, जहां गाय बनाए करोड़पति मल्टी चैम्बर संयंत्र से गोबर की सहायता से देव प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य चीजें भी बनाई जा रही हैं। गाय के गोबर का उद्योग के रूप में आधार विकसित करने की ये भी एक अद्भुत पहल है, क्योंकि अज्ञानता के कारण गौवंश ही नहीं मानव समाज भी पीड़ा को प्राप्त हो रहा है, जबकि गाय से सारे पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। गाय दूध दे चाहे नहीं दे, अगर गोबर का भी सदुपयोग हो गया, गौमूत्र का सदुपयोग हो गया, तो एक गाय से 5,000 रुपया प्रतिदिन की कमाई हो सकती है, बशर्ते वो भारत की गाय हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इको फ्रेंडली प्रतिमाओं के निर्माण का आह्वान किया था, जिसके बाद गौसेवक मिलकर इस पहल को दिशा दे रहे हैं और गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर गणेश जी की मूर्ति के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति का निर्माण एक अभियान के तौर पर शुरू किया है। गोबर लाने के बाद में उसको, जो हमारे सामने ये मिक्सर पड़ा है, इस मिक्सर में मिक्स करते हैं और उसमें गोबर मिलाते हैं, गोबर के साथ मैदा लकड़ी मिलाते हैं, मैदा लकड़ी के साथ फेविकोल डालते हैं, फेविकोल के साथ में हम जोस पाउडर आता है वो डालते हैं, वो डालने के बाद में ये मिक्स हो जाता है। उसके बाद छोटी छोटी लोई बनाकर मशीन में लगाई जाती हैं और फिर इन्हें अलग अलग डाई वो साइज के हिसाब से गोबर से बनी प्रतिमाएं, दीपक और बड़गुल्ले तैयार किए जाते हैं। अगर दीपक की डाई है तो एक मिनट के अंदर कम से कम 60 दीपक बन जाते हैं, ये जब भी प्रेस करते हैं तो 60 दीपक बन जाते हैं। अगर लक्ष्मी गणेश की डाई है तो एक मिनट में कम से कम 10 मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं। आधे एक घंटे बाद फिर उसकी कटाई करके फिर उसको छंटाई करते हैं, फिर उसको सीधा रखते हैं, प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, क्योंकि ऐसे तो उसमें मोड़ भी आ सकता है। फिर रंग बिरंगे रंगों से उन पर कलर कर आखिर में पैकिंग कर दी जाती है। पैक करने के बाद वो एक जैसे दान पात्र हो, या अपने घर में रखना हो, या अपने पूजा घर में रखना हो, उस हिसाब से वो काम में आता है। दरअसल गाय के नाम पर राजस्थान में भी अनेकों गौशालाएं चल रही हैं। अगर इस तरह की मशीन हर गौशाला में लगाई जाए तो गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बन जाएंगी। सेल्फ डिपेंड नहीं होगी गौशाला तब तक ये प्रैक्टिकल में सक्सेस नहीं होगी। तो इस मशीनों से यदि गौशाला में ऐसी मशीनें लगेगी और गोबर का सदुपयोग होगा तो गौशालाएं सबल बनेगी, गौशालाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उससे सरकारों को अनुदान कम देना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात है यदि गायें बाहर में खुली नहीं रहेगी सड़कों पर तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। लोग गाय को तभी बाहर छोड़ते हैं जब वो काम की नहीं रहती। हकीकत यही है कि बेसहारा गायों को सहारा दे रही यह पहल न केवल गोबर का सही उपयोग करवा रही है बल्कि गायों की रक्षा के साथ साथ गौशालाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। इससे दूध नहीं देने वाली गाय की अहमियत बढ़ेगी। इसके लिए उनका लक्ष्य है कि जयपुर शहर के 50,000 घरों में गोबर के लक्ष्मी गणेश स्थापित हों। इसके लिए सरकार के स्तर पर भी ऐसी पहल होनी आवश्यक है जिससे सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।